नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं, आम का सीज़न है तो आमरस बनाएंगे हम, और ये घर में ही हम आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है और फटाफट भी बनता है। तो आइए एक किस तरह बनाना है वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक देते रहिए। तो आइए बनाते हैं हम आमरस। आज हम बना रहे हैं आमरस, बहुत ही आसान है, फटाफट बनता है, उतना ही टेस्टी है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है उतना खाने में भी है। तो आइए ये रेसिपी किस तरह बनानी है वो देखते हैं। आमरस बनाने के लिए हमें चाहिए आम, रस वाले आम लिए हमने, और इन्हें हमने अच्छे से धोया है और इसको अच्छे से पोंछ भी लिया है, सूखे कर लिए हमने। अब इसको क्या करेंगे, रस निकालना है हमें आम का। पहले डंठल निकाल लेंगे इस तरह से हम, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से। इसका जूस है जो वो अच्छे से निकलता है। फिर इस तरह से हमें देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुका है ये। इसका जूस इस तरह से निकालेंगे हम, हाथ से ही करना है हमें। इस तरह से आम को सॉफ्ट करने से ये जूस अच्छे से निकलता है। दूसरे आम का रस भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम। ये करने से पहले हमें हाथ अच्छे से धो लेने हैं। दोनों आम का हमने रस निकाल लिया है, ये अच्छे से निकल गया है रस। और ये तो ऐसे मीठा होता ही है, लेकिन ये थोड़ा हम जब पूरी के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा फीका लगता है, इसलिए हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर अपने स्वाद के अनुसार। मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर डाली है इसमें, और शक्कर को इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है हमने, हाथ से ही करना है। ऐसे ही आमरस अच्छा लगता है पूरी के साथ खाने में। और इसके थोड़े थोड़े चंक्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं जब हम बाइट लेते हैं। तैयार है हमारा आमरस, बहुत ही आसान है, बहुत ही फटाफट बनता है, उतना ही टेस्टी है ये। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक दीजिए और ये अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिए। तैयार है हमारा आमरस, फटाफट बनता है, उतना ही टेस्टी है ये। तो आप ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मुझ तक ज़रूर शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को यूं ही लाइक देते रहिए, इन्हें यूं ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूं ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।